एक आदमी भी खड़ा होके कह दे जगदीश टाइटलर का नाम इन्वॉल्व है किसी सबूत के साथ ऐसे नहीं जैसे ये झूठ हुए हैं आई विल क्विट पॉलिटिक्स आई विल लीव डेली आई विल लीव डेली अगर कोई कह दे कोई सिख फैमिली आके कह दे कि मिस्टर टाइटलर में मदद नहीं करी या मिस्टर टाइटलर वॉज इन्वॉल्व और माई फैमिली वॉज इन्वॉल्व और एनी बडी आई आपके विरोधी फिर आपके ऊपर ये इल्जाम लगाएंगे कि आपने मैनेज कर लिया सब कुछ हाँ हाँ मैंने अडवानी को मैनेज कर तो बड़ी इंटरेस्टिंग आई एम वेरी पावरफुल बिकॉज ये चीज़ सी ने इंक्वायरी अडवाणी के टाइम करी थी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर और उसी के टाइम पे अडवाणी मेरे ख्याल आज तो ऑटोनमस बॉडी हो गई है सीबीआई उस टाइम होम मिनिस्टर के साथ होम मिनिस्टर ने मेरे कहने पर दख्सत करे थे अगर इतना पावरफुल हूँ कि मैं अडवाणी को भी मैं मैनेज कर सकता हूँ तो फिर तो यहाँ का कहना मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो विरोधी पार्टियाँ हैं वो जब आपको क्लीन चिट मिलती है

मैं तो अपनी फैमिली की परवाह नहीं करते हुए आई नाइट अच्छा फैमिली फैमिली की की आपने बात की। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब जिस दिन आपका आपके खिलाफ ये सारा सब कुछ हुआ आपको कहा गया या आपने खुद से फैसला लिया कि अब चुनाव नहीं लड़ना है उस दिन आप घर गए होंगे पूरा मीडिया सब लोग जब वापस चले गए होंगे और आप घर में अकेले बचे फैमिली का और आपका क्या रिएक्शन था क्या बात हुई फैमिली से ऐसे था उन्होंने कहा कि इट्स वेरी स्ट्रेंज कि ये देश कैसा है ये मीडिया वाले कैसे हैं मैं बता रहा दिस वाइफ से है ये मीडिया वाले क्या सच नहीं रख सकते सामने दैट मीन्स हम जो देखते हैं ये सब झूठ ही होता है ये आपकी आप क्रेडिबिलिटी है आपकी दिखी जाए जिस दिन मैं डॉक्यूमेंट्स दिखे हैं जब निकल के आएगा ये नहीं होगा कि आपको लगता कि हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर पब्लिक सोचेगी हमने इतना गंद इस आदमी पर डाला अल्टीमेटली कुछ नहीं डू यू नो केस सी का इज वर्स सी वर्सेस पानीवाल नथिंग टू डू विद जगदीश आज तक जब से एटी फोर के दंगे में मेरे घर में कांस्टेबल भी नहीं आया मेरा नाम पूछने के लिए क्योंकि कोई एफआईआर नहीं है कोई कंप्लेन नहीं है कोई नहीं इट्स ऑल परसेप्शन परसैप्शन कड़ी कर दी है मैं आज भी कहता हूँ कि मीडिया को भी चाहिए कि कभी भी जरूर है हमारे को लीडरों को एक्सपोज करना आपका धर्म है हर छोटी बात को एक्सपोज करो मैं दूसरा वर्जन भी दो झूठ पे नहीं तभी तो आप लाइबल का बिल नहीं लाने देते अगर ला के दो तो मैं

उस लेडी से भी सीबीआई ने पूछा उसने भी कहा जगदीश जैसा चंगा पुत्र साढ़े तो है ही नहीं सी ऐज ए साढ़ी रात दिन मदद करता है मेरे सामने मेरे हस्बैंड नु मारे है। मेरे सामने सेवा दल नु मारे जगदीश शेड का ना क्यों ले रहे हो इससे बड़ी कोई बात तो नहीं हो सकती जी आप दुखी हैं अब क्या सोचा है आपने और मैं मैं दुखी हूँ ये बात तो सच है जिसने सारी जिंदगी एक प्रोफेशन में लगा दी हो पार्टी की तो उसको तो दुख तो है मगर, लेकिन पार्टी कन्विंस क्यों नहीं हुई आपकी इस दलील से पार्टी इज कन्विंस मैं आपको कहा पार्टी इज कन्विंस दैट आई एम इनोसेंट इट इज़ अ परसेप्शन विच हैज किल्ड मी एंड परसेप्शन आप लोगों ने बनाया है तो उसमें पार्टी को कैसे जिम्मेवार ठहराया जाए अब, अब, अब आप अपना आई एम नॉट बिगर देन पार्टी आई एम ए वेरी स्मॉल डॉट इन द पार्टी